हेलो जी, राम राम सबको मेरा। और आज हम मूली की भुज्जी बनाएंगे, तो इसलिए मैं ताज़ा मूली लेने के लिए जा रही हूँ खेत में। हमारे पास में ही बेचते हैं और ताज़ी लेकर आऊँगी बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और बाद में मैं बनाऊँगी ताज़ा मूली की भुज्जी। तो चलिए चलते हैं खेत में मूली लेने के लिए। तो देखिए गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ और यहाँ पर आ गई हूँ खेत में। और पास में ही है ये हमारे घर के, और ये हमारे पड़ोसी हैं जिनके यहाँ से मैं ख़रीद रही हूँ ताज़ी मूलियाँ। और ये मेरे पीछे पीछे हैं और हम दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ घेर से टाइप के बने हुए हैं, किसी किसी घेर हैं प्लॉट में, खेत की ज़मीन के जो प्लॉट कटे हुए हैं उसमें सबने खरीद खरीद के, और इन्होंने भी ये प्लॉट ख़रीदा हुआ है। इसमें यहाँ पर इन्होंने छोटी छोटी सी क्यारी बनाकर मूली, मेथी और हरा धनिया ये सब कुछ बो रखा है, और मैं यहीं से ले रही हूँ। और देखिए, और ये मुझे बता रही थी कि कल हमने इनमें पानी दिया था इसलिए मिट्टी ज़्यादा लगी हुई है इन पर, ज़्यादा गिल्ला है ये क्यारियाँ, इनमें ज़्यादा गिल्ला है। तो फिर भी ये छाट छाट कर दे देंगी मुझे मोटी मोटी सी मूलियाँ, क्योंकि भुजिया के लिए तो ताज़ी मूलियाँ ही अच्छी रहती हैं, जिससे अच्छा टेस्ट भी बन आता है उसमें बनने के बाद में। और ताज़ी सब्ज़ी तो ताज़ी होती है, मूली हो या चाहे कुछ भी। 20 की दे दिए, बस 2 किलो आ जाएंगे है? और देखिए, ये देख देख कर कौन सी मूली मोटी है कौन सी बारीक देख देख कर इनमें से छांट रही है, और मिट्टी भी साथ के साथ इनमें से झाड़ दी इन्होंने, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीले की वजह से लग रही है। और सभी डोलों पर, 3-4 डोल पर इन्होंने जो है ये मूली लगा रखी है, उनमें से इन्होंने मुझे छांट कर दे दी है। ये देखिए इकट्ठी कर रही है अभी ये, और ये कह रही थी कि कुछ दे दो बांध कर दे दूंगी इनमें कुछ। हम थैला वगैरह तो नहीं लेकर गए थे और थैले में ये नहीं आई थी, और अभी मैंने इन्हें कहा कि थोड़ा सा हरा धनिया भी दे दो ताज़ा है, और इन्होंने देखे दांती से काट कर मुझे हरा धनिया दे दिया। ये कह रही थी कि हाथ में ही पकड़ लो इसे। तो और देखिए, इन्होंने कुछ पत्ती के हैं बांध कर अपने सिर पर रख लिया है, जैसे गठड़ी रख लेते हैं। और ये पीछे हैं, मैं आगे, और हम लोग घर की तरफ चल दिए हैं। पास में ही हमारा घर है, इनका भी हमारे पास में ही है, और सब्जी बेचते हैं ये लोग, इनकी दुकान है, तो इसलिए हम लोग अब सब्जी यहीं से खरीद लेते हैं, हरी ताज़ी सब्जियाँ। ये है हरी मूली ताज़ा, और अभी मैं इन्हें धोऊंगी, बाल्टी में डाल दी मैंने, तब तक ये मिट्टी फूल जाएगी, और दूसरी बाल्टी में पानी ले लूँगी मैं और इन्हें अच्छे से धोऊंगी। और देखिए, अभी मैंने बाल्टी में डाल दी थी, और इनमें जो पत्ती बंधी हुई थी वो भी खोल दिया है। अभी मैं सारी मूलियाँ अच्छे से हाथ से इनकी मिट्टी उतार दूंगी, और 2 बाल्टी में मैं इन्हें धुलूंगी। और जो ये पीले पत्ते हैं किसी किसी मूली में, वो मैं इन्हें अलग ही निकाल दूंगी जब सब्जी बनाऊंगी। और इस तरीके से मैं इनकी सारी मिट्टी हाथों से उतार दूंगी, और पत्तियाँ भी पानी में इस तरीके से डालती रहूंगी, ताकि पत्तियों पे भी हल्की धूल मिट्टी लगी रहती है वो भी उधर जाती है। और जड़ की तरफ से, मूली की तरफ से मैंने इन्हें डाला था, क्योंकि मूली की तरफ से ही ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, पत्तियां तो बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से मैंने इन्हें अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और ताज़ी मूली सलाद में खाइए तो और भी अच्छी रहती है, सलाद में खाते हैं जब, और सिरके में भी डाल लेते हैं मूलियाँ, तो जो गन्ने का सिरका होता है। ये जो मूली की भुजिया होती है ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। और देखिए लास्ट रह गई है,
इसे भी मैं धो दूंगी अच्छे तरीके से। देखिए, और वो पानी जो है मैं नीचे डाल दूंगी, जो जिसमें ज़्यादा मिट्टी सी हो गई थी वो मैंने नीचे डाल दिया है और बाल्टी को अच्छे से धो दिया। अभी मैं ये मूली जो है झरने में रख कर इन्हें जो है मैं एक तरफ रख दूंगी ताकि इनका पानी जो है सारा निचड़ जाए, तब तक जब तक यहाँ पर मैं चूल्हा जलाने की जो है तैयारी कर रही हूँ। देखिए, चूल्हा जो है ये टूट चुका है और माँ ने यहाँ पर नया चूल्हा बनाया है, और ये जो ये वही चूल्हा है जो बरामदे में रखा हुआ था। ये तो हमने बस थोड़ा सा चिपका कर रख रखा था क्योंकि और कोई चूल्हा नहीं है और गैस के चूल्हे पे इतने खाना नहीं बन सकता क्योंकि टाइम लगता है, और मिट्टी वाले चूल्हे पे जो है खाना जल्दी बन जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको जुगाड़ सा बनाकर एक साल से उस पर ईंटों पर रख दिया है। ईंटों पर इसलिए रखा है ताकि नीचे से फ़र्श ख़राब ना हो, क्योंकि नीचे से फ़र्श ख़राब हो जाता है आग की वजह से। फिर भी काम चल ही जाएगा, तब तक दूसरा चूल्हा तैयार हो जाएगा, और इस चूल्हे पर खाना बनाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये टूटा हुआ है, तो इसलिए मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। इतना खाना गैस के चूल्हे पे तो आसान नहीं होता बनाना, इसलिए मिट्टी का चूल्हा ही जलाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर तो मिट्टी के चूल्हे पर ही डेली खाना बनता है। और देखिए, ये मूली जो है मैं अभी काट लूँगी, और उधर मैंने चूल्हे पर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और ये सबसे पहले तो मैं इसके मूली के जो है पत्ते काट कर कुकर में डालूँगी, और कुकर में ही मैं इन्हें उबालूँगी, एक सीटी में उबल जाएंगे। नमक डाल कर रख दूंगी, और कुकर पे जो है मैंने मिट्टी का तला जो है चढ़ा दिया है क्योंकि दूध होते गर्म होते ही मैं फिर कुकर को इस पर चूल्हे पर रख दूंगी। और देखिए, पत्तियों का जो है मैंने झरने में इसलिए रखी थी ताकि इनका सारा पानी निकल जाए, सारा पानी जो है इनका सूख चुका है, इसलिए ये गीला भी नहीं लग रहा है हाथों में भी काटते टाइम भी, और एकदम ताज़ी मूली है तो इनकी जो डंठल है वही मैं काटूंगी और पत्तियाँ पत्तियाँ पीछे से छोड़ दूंगी। और इस तरीके से बारीक बारीक काट कर चाकू से ही मैं कुकर में डालती रहूंगी। और देखिए, ये पत्तियाँ जो है सारी कट चुकी है और ये मैंने कुकर में डाल दी है, और अभी जो है मूली छील कर रखूँगी मैं। इन्हें छीलर से नहीं छील रही हूँ, चाकू से ही छील लूँगी क्योंकि तीन चार मूली तो है ही, और फिर कद्दूकस में कस कर ही मैं इसमें डालूँगी क्योंकि गोल गोल चंदे जो होते हैं जैसे हम उसमें सलाद में काटते हैं ऐसे नहीं काटूँगी मैं, कस कर ही बनाऊँगी आज इसकी भुजिया मूली की, कसने के बाद में अच्छी बनती है। और इधर दूध गर्म हो गया है तो मैंने कुकर रख दिया है, तब तक कुकर में थोड़ा सा गर्म होंगे ये, और अभी मैं तब तक उसमें थोड़ी आंच लगेगी तो ये कस दूंगी सारी मूलियाँ एक एक करके, इस तरीके से कस दूंगी सारी की सारी मूलियाँ। और इस तरह से कसकर इसे भी मैं उसी में डाल दूंगी। ये देखिए, कुकर में जो है वो थोड़ी सी पकने लगी है, उसमें से भाप निकल रही है, और इसे फिर ढक कर रख दूंगी। और ये देखिए, ये मूली मैंने उबाल ली है, और उस कुकर में मैंने उसके बाद अंदर से साफ़ करके खिचड़ी रख दिया बनने के लिए, काली दाल की खिचड़ी। और यहाँ पर ये ठंडी भी हो चुकी है, और मैं इसे रही हूँ निचोड़, अच्छे से निचोड़ लूँगी मैं इसे ताकि इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे, और दोनों हाथों से ये अच्छी निचड़ती है। और देखिए, ये उबलने के बाद में ना कितनी सी थोड़ी सी हो जाती है, 2 किलो मूली थी ये और ये कितनी सी हो गई उबलने के बाद में, थोड़ी सी बन जाती है। और इधर मैं माँ के साथ में बात कर रही हूँ क्योंकि वो सामने बैठी है,
और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है कुकर उतारने के बाद में, क्योंकि खिचड़ी बनकर हो गई तैयार, उसमें सीटी आ गई थी। और हरी मिर्च मैंने काट ली है, अभी मैंने हरे धनिए की ये हरे धनिया की पत्ती काट लूँगी, क्योंकि इन्हें मैंने धोकर रख लिया था पहले ही। और ये वही ताज़ा हरा धनिया है जो मैं वहाँ से लेकर आई थी, जहाँ से मूली लाई थी। और खुशबू भी बहुत अच्छी है इस हरे धनिए की, एकदम ताज़ा हरा धनिया। और देखिए तेल सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि कढ़ाई हो चुकी है गरम। ये लहसुन है जो थोड़ा सा मैंने कट करके रख लिया था, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस जीरा और लहसुन में ही इसका छोंक लगाऊँगी आज। और अभी मैं इसे चला दूँगी थोड़ा सा। और सबसे पहले मैं जो है इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि हरी मिर्च जो है पहले डालने में उसका तीखापन कम हो जाता है। और मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है ताकि वो तेल में ही अच्छे से पक जाए, क्योंकि फिर अगर हम इसमें डालेंगे तो कच्ची रह जाती है, तो इसलिए उस वो तेल में ही पहले अपना कलर छोड़ देगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी मिला दिया है। अभी मैं ये सारी वो जो वो मूली के वे लड्डू से बनाए थे मैंने निचोड़ कर, वो मैं इसमें सारे डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो मैंने मसाला डाला था उस सारे मसाले में मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी देर तो हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि हल्की आँच रखनी है इसके नीचे। जो भी बर्तन आप इसके ऊपर रखेंगे चूल्हे के, उसके नीचे हल्की आँच। और अभी मैंने जो है हरे धनिया की पत्ती भी इसमें मिला दी है, और इसमें हरी मिर्च के कुछ बीज लगे हुए थे प्लेट में, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अभी से भी अच्छे से ऐसे ही मिला दूँगी और चलाती रहूँगी ऐसे ही अच्छे से। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, अब थोड़ा सा नमक और डालूंगी, क्योंकि मुझे नमक जो है इसमें कम लग रहा था जो मैंने पहले डाला था। और अभी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जैसे ही कढ़ाई में है तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, बाद में नहीं हो पाता क्योंकि सूखी सब्जी है, सूखी भुजिया बोलेंगे। और देखिए इसमें अच्छे से चलाती रहूँगी तो पूरे अच्छे तरीके से सारी चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी भुजिया बनकर हो गई है तैयार, बहुत टेस्टी, देखने से बहुत टेस्टी लग रही है कि बहुत अच्छी बनी है, और खुशबू भी अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने जीरा और लहसुन का जो तड़का लगाया है। देखिए तो चलिए सब्जी बन गई है, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरा राम राम।